वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मेटल्स की, उनके एक्सट्रैक्शन को कैसे किया जाता है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब की बात कर रहा हूँ आपको। मेनली ये एल्युमिनियम वाला बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आयरन, कॉपर और जिंक वाली चीज़ पढ़नी है, ठीक है। बात करते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ एल्युमिनियम से पहले, चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इन डिटेल थोड़ा सा आपको ये आयरन और कॉपर के बारे में पढ़ना है। जिंक के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ, निकल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो ऊपर हमने पढ़ा है मॉन्ट्स प्रोसेस वगैरह, दैट इज़ एनफ। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आयरन के बारे में। अब सपोज करो कि आपके पास क्या मिल गया, ऑक्साइड के फॉर्म में आयरन वगैरह मिल गया है। तो ऊपर देखा था हमने, उसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन वगैरह करते हैं। मान लो सल्फाइड वगैरह मिला था तो फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको अगर मतलब वही था, कार्बोनेट से ऑक्साइड बना देंगे, और सल्फाइड होगा तो भी ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। Fe2O3, Fe3O4 के फॉर्म में हमें मिल जाता है कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से, ठीक है। उसके बाद उसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस किसके साथ करते हैं, कोक के साथ, मतलब कार्बन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ऊपर हमने देखा था रिडक्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, सपोज़ करो एक कॉल्यूम है, ठीक है, जैसे पेन है, ठीक है, उसको सपोज करो एक फर्नेस है। वो फर्नेस का मतलब क्या होता है, एक जलता हुआ चीज़ जो सपोर्ट करता है, वही फर्नेस कहलाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट बनाया जा सकता है। अब उसमें आप क्या करोगे, ब्लास्ट फर्नेस है, अब ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है वही मेटल का जो ऑक्साइड है उसको मेटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें भी जो कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रहती है, बाद में उसको क्लीन किया जाता है। उसके लिए भी हमने प्रोसेस देखा है, क्लीनिंग और प्योरीफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो किया क्या जाता है, जो भी ऑक्साइड मिला है उसको कोक, मतलब कार्बन के फॉर्म से, कार्बन्स और लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है, और मिक्स करके उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, और नीचे से हीट किया जाता है, ठीक है। अब हीट किया जाएगा, अब जब आप हीट करते हो तो जैसे जैसे हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे नीचे वाले सरफेस पे होगा, और ऊपर वाले सरफेस पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ऊपर से, सबसे ऊपर से अब आपने आग लगाया, मतलब ब्लास्ट को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, हॉट एयर पास कर रहे हो, उसको हीट भी कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है फर्नेस का। अब ऊपर से, टॉप से क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर आपने बनाया था ओर का, लाइमस्टोन का और कोक का, धीरे धीरे ऐड किया जाता है उस एपरेटस के अंदर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, नीचे है ज़मीन पे, ज़मीन पे मतलब बेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, और ऊपर टेम्परेचर कम होगा। नीचे जो होता है सबसे सरफेस ऑफ फर्नेस, वो समथिंग अराउंड 2200 केल्विन टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 2200 केल्विन। जैसे जैसे ऊपर आओगे घटता जाएगा, ऑफ कोर्स 2200 है, फिर लगभग 1500 के अराउंड, 1200, 1100, 1500 तक अलग अलग लेयर पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ऊपर से आप दे रहे हो क्या, ये मिक्सचर ऑफ ओर विथ लाइम स्टोन एंड कॉपर वगैरह आप दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, चीज़ आपस में रिएक्ट करेंगी, ठीक है, आपस में वो रिएक्ट करेंगी। FeO, CO वगैरह जो है, आयरन का ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन से रिएक्ट करता है। सबसे पहले Fe2O3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 Fe3O4 और CO2 में, ठीक है, Fe3O4 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी कार्बन वगैरह थोड़ा और मौजूद है वहाँ पर जो हमने दिया है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है CO में या CO2 में। लाइमस्टोन जो हमने दिया था CaCO3, वो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई आयरन का ऑक्साइड FeO के फॉर्म में है तो वो भी Fe3O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये Fe3O4 जनरली जो बना हमें, ये ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में है तो वेपराइज होने की कोशिश, ऊपर की तरफ भागेगा। ऊपर की तरफ भागेगा तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो गैस वगैरह बना है वो फिर इसके साथ रिएक्ट करता है Fe3O4 से। तो Fe3O+4+CO बन के CO2 बाहर निकल जाता है और Fe मिलता है हमें, ठीक है, प्योर आयरन, जिसे प्योर नहीं बोलते, अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है। तो जैसे जैसे ऊपर की लेयर में भागते जाते हैं, आयरन जो होता है Fe3O4 या Fe2O3 या FeO, ये सब Fe3O4 में कन्वर्ट होते हैं,
फिर Fe3O4 जो होता है, जो CO के कारण CO2 वगैरह जो बना था उससे रिएक्ट करके पूरा का पूरा वापस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और आयरन मिक्स्ड विथ सम ऑफ द, चूँकि कार्बन वहाँ पे मौजूद ही है तो थोड़ी बहुत कार्बन रह जाती है एज ए इम्प्योरिटी इसमें, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है आयरन के फॉर्म में। एक बेसिक रिएक्शन दिया Fe2O2 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली वो नहीं होता, Fe2O3 होगा या Fe3O4 होगा, इससे CO या CO2 गैस बन जाएगा और आयरन निकल जाता है, ठीक है, अलग अलग रेंज में। अब ये जो आयरन मिलता है इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है, लगभग 4 से 5% कार्बन रहता है, और उसमें थोड़ी बहुत दूसरे भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सिलिका वगैरह ये सब। तो ये जो सबसे पहला आयरन निकलता है ब्लास्ट फर्नेस से विथ 4% कार्बन एंड सम अदर इम्प्योरिटीज़, इसको बोला जाता है पिग कार्बन। क्या कहता है आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन पर, पिग कार्बन बोलते हैं, सॉरी पिग आयरन बोलते हैं। अब पिग आयरन को से को थोड़ा और प्योरीफाई किया जाता है, इससे जो कार्बन वगैरह है या सल्फर, सिलिकॉन ये सब चीज़ें इनको हटा दिया जाता है, कार्बन को कम्प्लीटली नहीं हटाया जाता है, क्योंकि कार्बन जो है देखते हो स्टील वगैरह बनाते हैं तो आयरन में स्टील वगैरह ऐड किया जाता है, सॉरी स्टील बनाने के लिए आयरन में कार्बन वगैरह ऐड किया तो थोड़ा टफनेस बनाता है उसे, ठीक है। तो पिग आयरन से थोड़ा बहुत बाकी इम्प्योरिटी सल्फर वगैरह उसको हटा दो, कार्बन का कंटेंट थोड़ा 1-2% कम कर दो, 3% के आसपास, तो पिग आयरन से जब ये सिचुएशन बनता है उसे बोला जाता है कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो होता है बहुत ही हार्ड तो होता है लेकिन ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाता है, तो कमर्शियल यूज़ के लिए अभी भी ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम लोग ये जो क्या बोलते हैं मैलिएबल फॉर्म में नहीं बना सकते, मतलब थिन शीट की तरह नहीं बना सकते हैं, तो इसके अंदर से थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी और हटाई जाती है, ठीक है। जो इम्प्योरिटी उसको थोड़ा बहुत हीट करोगे तो कार्बन जो होता है थोड़ा और कम हो जाता है, ऑक्साइड फॉर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो कार्बन आयरन बनता है उसको बोलते हैं रॉट आयरन या मैलिएबल आयरन भी बोलते हैं। अब उसको पीट के हम लोग थिन शीट की तरह बना सकते हैं और कमर्शियली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रॉट आयरन, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कार्बन जो हम यूज़ करते हैं, जो आप घरों में या कहीं पर भी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ रॉट आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो सबसे पहले मिला दैट इज़ पिग आयरन विथ 4% कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज़। फिर उससे कास्ट आयरन होता है, उसमें 4 से घटा के कार्बन को 3% कर दिया जाता है और बाकी सारे इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है, लेकिन अभी भी वो पूरा कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, तो उसको थोड़ा सा और हीट करते हैं, तो कार्बन थोड़ा और कम किया जाता है, ठीक है, और बाकी कुछ भी इम्प्योरिटीज़ जो हो, जो ऑक्साइड बना के बाहर निकल सकते हैं हीट करने पे, वो सब भी निकल जाते हैं। अब ये थोड़ा मैलिएबल होता है, इसे शीट बनाया जा सकता है, तो ऐसे फॉर्म को कार्बन को बोला जाता है रॉट आयरन, और यही यूज़ किया जाता है कमर्शियली, ठीक है। इसमें जो लाइमस्टोन हमने ऐड किया था वो क्या था, एज ए फ्लक्स यूज़ हुआ था वो, ठीक है, वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं सल्फर वगैरह इन सब के साथ कंबाइन करके स्लैग बनाता है और स्लैग बना के बाहर निकल जाता है, तो लाइमस्टोन इज़ अ फ्लक्स ईयर, रिमूव सल्फर सिलिकॉन जो इम्प्योरिटी आप देख रहे हो उन सबको कंबाइन करके स्लैग बन जाएगा और वो सब बाहर हो जाता है, मेटल फ्री स्टेट में निकल जाता है, ठीक है। तो ये आयरन की बात थी, थोड़ा बहुत डिस्कस कर दे रहा हूँ। छोटे छोटे जो हैं मेटल्स में निकल होगा, निकल जो होता है जनरली अपने सल्फाइड के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा निकल निकल कॉपर एल्यूमिनियम का, ये पेंटालैंडाइट बोलते हैं इसे। सिर्फ उसमें निकल नहीं होता, दूसरे भी होते हैं, दूसरे क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको हटाया जाता है। और एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है मॉन्ट्स प्रोसेस, ठीक है, क्या करते हैं निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है, तो निकल टेट्राकार्बोनिल बनता है, और निकल टेट्राकार्बोनिल जो बना उससे वेपराइज करके उसको और हीट करते हैं तो कार्बोनिल अलग निकलता है, निकल मिल जाता है, ठीक है, या निकल का ऑक्साइड वगैरह मिलेगा। और फिर निकल का ऑक्साइड जो होता है उसको वाटर गैस CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये CO2 और H2O निकल जाएंगे वेपराइज होकर बाहर और प्योर निकल मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ना है इसमें, सिंपल सी चीज़ है, ये निकल की बात होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम का भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम जनरली बॉक्साइट और क्रायोलाइट के फॉर्म में यूज़ होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, तो इससे हम लोग एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसमें देखो कि क्रायोलाइट में NA मतलब सोडियम भी है, लेकिन सोडियम उससे नहीं निकाला जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपको ये जो ओर्स वगैरह हैं इनको सबसे पहले आप वही करोगे, कॉन्सनट्रेट करोगे, कॉन्सनट्रेट करने के बाद कैल्सिनेशन वगैरह करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड अगर मिल गया तो चूंकि ये एक्टिव मेटल है तो इसको प्योरीफाई किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था एक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से प्योरीफाई कर दिया जाता है, तो ये मिल जाता है। Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करोगे तो Al अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह अलग हो जाएगा, तो इससे ये निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है इट इज़ अबाउट जिंक,
ठीक है। जिंक में भी, जिंक जनरली किस फॉर्म में होता है? सल्फाइड में, जिंक ब्लेंड जिसको आप बोलते हो, वो सबसे ज़्यादा उसी फॉर्म में मिलता है, या कैलामाइन जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, किससे? रोस्टिंग प्रोसेस से, तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। अब ऑक्साइड मिल गया तो उसको रिड्यूस करेंगे कार्बन वगैरह से, किस में? जिंक के फॉर्म में। अगर कैलामाइन यूज़ कर रहे हैं जिंक कार्बोनेट, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, CO2 बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और जिंक ऑक्साइड को फिर कार्बन के साथ रिड्यूस कर देंगे तो CO2 बाहर और जिंक बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोक जो लिखा हुआ रिडक्शन करते हैं, तो इसे प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है। और प्योर जिंक को नाम बोला जाता है एस्पेल्टर। क्या बोलते हैं? एस्पेल्टर इज़ प्योर जिंक, कार्बन के साथ उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस किया जाता है। सबसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को हीट करोगे, पहले एकाएक हीट किया जाता है बहुत तेज़ी से, लगभग 1500-1600 केल्विन के पास, उसके बाद एकाएक कूल कर दिया जाता है, इसको रैपिड चिलिंग बोला जाता है। और उसे जो प्योर जिंक मिला उसे बोला जाता है एस्पेल्टर। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर जो है जनरली सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, कॉपर सल्फाइड जिसको कॉपर ग्लांस बोलते हैं, और कॉपर पाइराइट जैसे कॉपर और आयरन का सल्फाइड, CuFeS2 बोलते हैं उसे। तो कुछ भी है तो क्या, सल्फाइड हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे। उसके बाद चूंकि सल्फाइड हो रहा है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस लगाओगे? रोस्टिंग प्रोसेस। CuFeS2 को ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो CU2 बन जाएगा ऑक्साइड, और SO2 बाहर निकल जाएगा, और आयरन वाले में आयरन भी बाहर निकल जाता है आयरन का ऑक्साइड बना के। ठीक है, अब मुझे ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिल गया तो उसको रिड्यूस करेंगे कार्बन के फॉर्म में, किसके साथ? कोक लगाते हैं, मतलब कार्बन लगाया जाता है, तो CU2O+C लगाओगे तो CO या CO2 बाहर निकल जाएगा, अब बनेगा क्या? कॉपर। तो इस तरीके से आपको कॉपर मिल गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो आसानी से हमने बोल दिया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब उसको ये किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड के साथ, ठीक है, तो रोस्टिंग करने से पहले जो, मतलब जो CU2SFES वगैरह जो है, ये जनरली कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड अलग अलग फॉर्म में बन जाता है, तो एक कॉम्बिनेशन मौजूद होता है, इसको बोला जाता है कॉपर मैट। क्या बोलते हैं? कॉपर मैट, MATT, कॉपर मैट, CU2S+FeS कॉपर मैट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब इसको हम लोग हीट करते हैं किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो कॉपर का ऑक्साइड तो मुझे चाहिए, उससे कॉपर निकालना है, लेकिन आयरन के ऑक्साइड को क्या करेंगे? तो आयरन ऑक्साइड क्या है? एज ए इम्प्योरिटी है, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? फ्लक्स ऐड करते हैं। कौन सा ऐड किया जाता है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो वो FeO इम्प्योरिटी के साथ एक फ्लक्स SiO2 ऐड करके क्या बना देगा? स्लैग बना देगा, FeSiO3, और वो स्लैग बाहर निकाल जाता है, मतलब इम्प्योरिटी को लेकर हटा दिया, तो बचा क्या सिर्फ? अब CU2O। अब उस CU2O को हम कार्बन के साथ हीट करवा के और क्या ले लेते हैं? प्योर कार्बन ले लेते हैं, और इस प्योर कार्बन को बोला जाता है क्या? कार्बनिक कॉपर, इसको बोला जाता है ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं उसे? ब्लिस्टर कॉपर। प्योर जिंक को क्या बोल रहे थे? स्पेल्टर। इसको बोलते हैं प्योर कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर। आयरन को क्या मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से निकलने के बाद? पिग आयरन। उसको कन्वर्ट करते हैं तो इम्प्योरिटी हटा के कास्ट आयरन, थोड़ा और इम्प्योरिटी हटाते हैं तो रॉट आयरन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे कि हमने देखा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है किसको, एलिमेंट्स वगैरह को। ठीक है, अच्छा ये जो एल्यूमिनियम है जिसको आप देख रहे थे, एल्यूमिनियम के लिए भी कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। Al2O3 से हम निकालते हैं, जैसे आप देख रहे हो बॉक्साइट हो रहा है, मोस्टली उसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्साइट है इसको क्रायोलाइट के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जो नीचे वाला देख रहे हो Na3AlF6 उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, या फिर कैल्शियम फ्लोराइड के साथ भी मिक्स किया जाता है। ठीक है, CaF2 के साथ उसके साथ मिक्स कर दे, होता क्या, मिक्स करने के बाद ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब कि अब उसको मेल्ट किया जा सकता है। अब उसके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, Al2O3, Na3AlF6, CaF2 जो भी हमने यूज़ किया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, अब उसके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हीट जाएगा। अब हीट जब आप यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चैम्बर में आप कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, तो होता क्या है Al2O3 उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रोड भी यूज़ करोगे, तो कार्बन का एनोड बनाया जाता है और कार्बन का ही कैथोड बनाया जाता है, मतलब वहाँ पे कार्बन है और Al2O3 है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देता है और प्योर Al डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हॉल हेरॉल्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉल हेरॉल्ट प्रोसेस।
ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज़ जिससे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्युमिनियम्स होते हैं, एल्युमिनियम वगैरह को देखते हो किस तरह एल्युमिनियम फॉल यूज़ किया जाता है, जैसे लोग लंच वगैरह लेके जाते हैं, जैसे रोटीज़ वगैरह होते हैं फूड में, उसको लपेट के रख दिया जाता है एल्युमिनियम फॉल से, गर्म रखता है उसको, तो एल्युमिनियम फॉल्स वगैरह यूज़ किया जाता है फॉर रैपिंग, फूड मटेरियल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम का। यूज़ क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, पेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अपने से कम रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ किया जाता है, जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल बताया था किस में, क्रोमियम में, मैंगनीज़ में, वैनेडियम में, उसको यूज़ किया। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज एज वायर, एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर तो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है बिकॉज दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, और ये एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मेटल है तो इसका यूज एयरक्राफ्ट वगैरह में भी किया जाता है उसकी बॉडी बनाने में। ड्यूरेलियम यूज़ किया जाता है, मैंगनीशियम और एल्यूमिनियम का ही मिक्सचर होता है वो, ठीक है। कॉपर भी है, कॉपर का यूज़ भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं वायर्स वगैरह बनाने में, अभी बताया मैंने कॉपर एल्युमिनियम वायर घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, पाइप बनाने में यूज़ करते हैं कॉपर के, वाटर पाइप, स्टीम पाइप, ये सब चीज़ें, जो सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं, पानी हीटर वगैरह सोलर होता है उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, कॉपर का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी हीट वगैरह भी हो जाता है। फिर एलॉयज़ भी बनाते हैं, जिंक के साथ ब्रास बनाता है, टिन के साथ ब्रॉन्ज बनाता है, निकल के साथ कॉइन्स बनाता है, जो सिक्का वगैरह हम यूज़ करते हैं एलॉय, ठीक है। जिंक, जिंक का भी बहुत सारा यूज़ है, ये भी बहुत सारे एलॉय का पार्ट है, एक तो हमने ऊपर ही पढ़ा अभी ब्रास कॉपर के साथ वो बनाता है, एक जर्मन सिल्वर होता है कॉपर जिंक और निकल का, ठीक है। जिंक को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है। जिंक का यूज़ इलेक्ट्रोड की तरह बैटरीज वगैरह में, सेल्स वगैरह में किया जाता है। फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आयरन को, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, आयरन से ज़्यादा एक्टिव होता है कॉपर, सॉरी जिंक, तो आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा दिया जाता है ताकि जिंक ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्ट करके रह जाएगा ऑक्साइड वगैरह बना के, और नीचे आयरन अपना प्योर फॉर्म में रहेगा, कोरोड नहीं होगा, ठीक है। फिर आयरन के भी कुछ बहुत सारे यूजेस, आयरन तो आप देख ही रहे हो, रेलवे ट्रैक्स वगैरह हो गए, पाइप्स, गटर, टॉयज, स्टोव्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आप देख रहे हो, स्टील, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, मोस्टली कास्ट आयरन या रॉट आयरन ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। बोल्ट्स बनाने में, वायर्स बनाने में, एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखते हो, सब के सब मोस्टली आयरन के ही बने होते हैं, ठीक है। स्टील तो है ही, जिससे हम खाने पीने के बर्तन वगैरह बनाते हैं, निकल स्टील भी यूज एक बना जाता है, ठीक है, जो कि केबल वायर बनाने में यूज़ करता है, ऑटोमोबाइल का पार्ट होता है, एयरप्लेन का पार्ट होता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें आपको एक चीज़ बच रहा है जो मैंने ऊपर बताया था, एलिंगम डायग्राम, ये मैं कोशिश करूँगा आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँ, इस डजेंट मेक एनी सेंस कि मैं एक रीडिंग दूँ तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। सो लेट्स क्लोज दिस, एक तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, एक्सेप्ट दिस एलिंगम डायग्राम, जो कि एक दूसरा कॉपी पे मैं आपको समझा दूंगा इन अ वीडियो फॉर्म, बिकॉज दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस की बात की हमने, दिस चैप्टर आई यूज़ दिस पीडीएफ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो कर दिया हूँ लेकिन इसमें कुछ भी है तो आपको ये सारे रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। कुछ कुछ जो भी टर्म्स हमने यूज़ किया है वो सारे टर्म्स, इस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नोमेनक्लेचर। छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, प्योर कॉपर, व्हाट इज स्पेल्टर, प्योर जिंक, ठीक है, व्हाट इज रोस्टिंग प्रोसेस, हीटिंग ऑफ ओर इन द, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट ऑक्साइड ओर, व्हाट इज कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गेट ऑक्साइड ओर, व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, हमने पढ़ा था ऑयल और वाटर लगाते हैं, इम्प्योरिटीज़ वाटर में मिक्स हो जाते हैं और मेटल्स ऑयल में रह जाता है, दैट इज़ जोन रिफाइनिंग। फ्रॉथ फ्लोटेशन भी ऐसा ही मिक्स प्रोसेस था। वॉन ऑर्केल मेथड, मॉन्ट्स प्रोसेस, मॉन्ट्स प्रोसेस किस में यूज़ किया था हमने, निकल के प्योरीफिकेशन में यूज़ किया था। वॉन ऑर्डर प्रोसेस किस में यूज़ किया था, टाइटेनियम में, जिरकोनियम में, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया था, टेट्राआयोडाइड बनाया था और फिर कन्वर्ट हो गया था किस में, उसको हीट किया था तो आयोडीन वापस निकल गया, प्योर मेटल मिल जाता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, ओके। लेट मी क्लोज दिस, वन मोर वीडियो आई विल मेक एंड विल क्लोज दिस चैप्टर, थैंक यू।